अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ड्रमस्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम जो फ्राइड ड्रमस्टिक्स बनाएंगे वो जूसी भी बहुत ज़्यादा बनेंगी और स्पाइसी भी होंगी। तो चले फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 ड्रमस्टिक्स ली हैं। आप इस रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं। और ड्रमस्टिक्स को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली है। सबसे पहले हम इसमें कट्स लगा लेंगे। तो ये देखें, दोनों साइडों पर आपको ड्रमस्टिक्स पर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कट्स लगा लेने हैं सभी ड्रमस्टिक्स पर। तो सभी ड्रमस्टिक्स पर हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून। सिंपली आपको ग्रीन चिलीज लेनी है और उनका फाइन पेस्ट बना लेना है और वो 1 टेबल स्पून आपको ऐड करना है। साथ ही हमने ले लिया यहाँ पर लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ये भी मैंने फ्रेश ही बनाया है अभी। और 3 टेबल स्पून हम विनीगर ऐड कर लेंगे इसमें। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि जो ड्रम स्टिक्स हैं वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। अब इसे हम एक दफ़ा हला लेंगे और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, चिलीज का और गार्लिक का जो टेस्ट है वो लेग पीसीस के अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होंगे। आफ्टर 1 आवर हम इसमें से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, लेग पीसीस निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और यहाँ पर मैंने लिया मैदा और कॉर्नफ्लोर, दोनों हमने लिए हैं 4/4 टेबल स्पून, यानी 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून ही मैदा लिया यहाँ पर, वो ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर लिया दही 2 टेबल स्पून, इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, देन हम इसे ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा लिया है, इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद आप ड्रमस्टिक्स को फ्रीज भी कर सकते हैं और इन्हें स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए या फिर 15 दिन तक के लिए। और उसके बाद जब भी आपको फ्राई करने हो आप इसे निकाल लें, डीप फ्रोस्ट करें और जस्ट फ्राई कर लें। मैरिनेट करने के बाद अब सिंपली हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर या फिर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। इससे ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मैरिनेट किया जो कि अवेलेबल होते हैं ईजिली घर में। तो दोनों साइड से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और क्रिस्पी हो गए हैं ये और अंदर तक पक गए हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे मैंने कोरिएंडर मिंट चटनी के साथ सर्व किया। चटनी की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी स्पाइसी ड्रमस्टिक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखेंगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज रिमेंबर डैट होममेड इज़ द बेस्ट।